सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के इस एक केस को लेकर मामले की सुनवाई के दौरान न सिर्फ केस को खारिज किया बल्कि शादी को ही इनवैलिड करार दिया। तलाक का केस दो पायलट्स के बीच का था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज को लेकर कई सख्त टिप्पणियां भी की। आखिर क्यों कोर्ट ने दो पायलट्स की शादी को इनवैलिड बताया और हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है वैलिड शादी की परिभाषा, जानिए इंडिया न्यूज के इस एक्सप्लेनर। हिंदू विवाह नाचने गाने और खाने पीने का इवेंट नहीं है, ना ही व्यापारिक लेन देन है। सुप्रीम कोर्ट, ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी? बदलते वक्त में हिंदू विवाह कैसे बदलता गया और आजकल कैसे हिंदू शादियों में रस्मों की जगह हो हल्ला ज्यादा शामिल होता जा रहा है, इस एक्सप्लेनर में विस्तार से जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एजे मसीह की बेंच ने एक तलाक केस की सुनवाई के दौरान ये कड़ी टिप्पणी की है। तलाक का केस दो कॉमर्शियल पायलट्स के बीच था और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी में हिंदू विवाह से जुड़ी रस्में नहीं निभाई गई और संविधान के आर्टिकल 142 के मुताबिक दोनों पायलट्स शादीशुदा नहीं है। ये कोर्ट तलाक की प्रक्रिया और पति व उसके परिवार पर लगाया गया दहेज का केस खारिज करता है। ये तो एक टिप्पणी थी। इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हम इस चलन की निंदा करते हैं जिसमें युवा महिलाएं और पुरुष पति पत्नी का स्टेटस पाने के लिए ऐसी शादी करते हैं जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह संस्कार नहीं होते। शादी कोई व्यापार नहीं जिसमें दबाव डालकर दहेज और तोहफों का लेन देन हो जिससे बाद में केस होने की संभावना रहे। हिंदू विवाह में बेटर हाफ जैसा कुछ नहीं होता और पति पत्नी दोनों अपने आप में पूर्ण होकर साथ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के इस केस में हिंदू विवाह की सप्तपदी परंपरा का जिक्र किया। ऋग्वेद से जुड़ी इस परंपरा की सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या भी की। कोर्ट ने कहा कि सातवां फेरा पूरा होने पर दुल्हन दूल्हे से कहती है कि इन सात फेरों के साथ हम सखा बन गए हैं, मैं जीवन भर इस मित्रता के बंधन में रहूं, इसे कभी अलग न होना पड़े। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है और इस विवाह में महिला का बराबरी का हक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि जब तक दुल्हा दुल्हन विवाह की सभी रस्मों से नहीं गुजरे हैं तब तक हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 के तहत कोई हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा और किसी अथॉरिटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलने से दोनों पार्टियों को शादीशुदा होने का स्टेटस नहीं मिलेगा, न इसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी माना जाएगा। दरअसल हिंदू विवाह कई रस्मों को एक साथ मिलाकर संपन्न होता है। ये महज फेरे लेने या अंगूठी एक्सचेंज कर लेने भर से संपन्न नहीं माना जा सकता। हिंदू विवाह में कन्यादान की रस्म होती है जिसमें वधु के माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर यानी दूल्हे के हाथ में सौंपते हैं। ये रस्म पिता और बेटी के भावनात्मक रिश्ते का प्रतीक है। मॉडर्न युग में खासकर शहरों में संगीत की रस्म एक दिन तक सीमित कर दी गई है जबकि गांव में आज भी विवाह में संगीत की रस्म 11 दिन तक चलती है। विवाह से पहले ही महिलाएं रोज शाम को इकट्ठा होकर विवाह से जुड़े गीत गाती हैं। मॉडर्न युग में मेहंदी और हल्दी की रस्म को भी एक दिन में ही सीमित कर दिया गया है जबकि गाँव में आज भी हल्दी की रस्म 3 से 5 दिन तक चलती है जबकि एक पूरा दिन मेहंदी की रस्म के लिए होता है। बारात के लड़की पक्ष के दरवाजे तक आने पर तिलक की रस्म की जाती है। घर के दरवाजे पर लड़की की चाची या भाभी वर का तिलक करती हैं। इसके बाद जयमाला की रस्म होती है जिसका संबंध शिव पार्वती की विवाह से है। भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह के दौरान सबसे पहले जयमाला की रस्म अदा की गई थी। शादी के मंडप में अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए जाते हैं। मथुरा में फेरों की रस्म 5 घंटे लंबी होती है। इन 7 फेरों को ही ऋग्वेद में सप्तपदी कहा गया है। हर फेरे के साथ लड़का और लड़की एक एक वचन लेते हैं और उन वचनों को जीवन भर निभाने का वादा भी करते हैं। विवाह की रस्मों में लड़की को मंगलसूत्र पहनाना और उसकी मांग में सिंदूर लगाने की रस्म भी शामिल है। इस तरह की तमाम रस्मों को मिलाकर एक हिंदू विवाह संपन्न होता है और हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि जिस विवाह में रस्में नहीं निभाई गईं वो वैध नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का हवाला देते हुए तलाक का केस ही नहीं बल्कि शादी को भी इनवैलिड करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी खबर के साथ वक्त